नमस्कार दोस्तों, मिस्टर सिंह किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो है हरी मिर्ची और दही की चटनी। दोस्तों, मेरा वादा है कि आपने इस तरह की चटनी कभी नहीं खाई होगी। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हमेशा आपको झटपट रेसिपी, झटपट के साथ साथ दोस्तों हमेशा ये होना चाहिए कि टेस्टी रेसिपी। तो जो चटनी आज मैं बना रहा हूँ, ये चटनी आप रोटी के साथ, समोसा, कचौरी, फिंगर चिप, जिसके भी साथ, सैंडविचेस वगैरह, जिसके भी साथ आप खाना चाहें आप खाइए, और बहुत ही टेस्टी लगेगी। एक बार ट्राई जरूर करिएगा, और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन को जरूर दबाइएगा, और कमेंट्स जरूर करिए। दोस्तों, हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि कमेंट्स करिए आप, कि मुझे कोई भी अगर मेरी गलती हो, कुछ भी हो, तो इसको अपन झटपट जल्दी से शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। हरी मिर्ची और दही की चटनी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो इस प्रकार हैं। दही लिया है मैंने 1 कप, मैक्सिमम 200 ग्राम के आसपास है। 2 लहसुन की कलियां ली है मैंने, 1 बड़ी हरी मिर्ची ली है, नमक स्वाद अनुसार, और गार्निश के लिए थोड़ा सा हरा धनिया। दोस्तों, हरा धनिया ऑप्शनल है, आप चाहें तो लें, चाहें तो ना लें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गैस ऑन करके और हरी मिर्ची को सेकेंगे। तो इस तरह से हम इसको, हरी मिर्ची को सेकना है, क्योंकि हरी मिर्ची सिकेगी तभी उसका स्मोकी फ्लेवर आएगा। और ये जो चटनी मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, मेरा दावा है कि बहुत कम लोगों ने ये खाई होगी, बहुत ही ज़्यादा कम लोगों ने, और इतनी टेस्टी है कि घर में अगर आप सब्जी के मन नहीं हो बनाने का या कुछ भी हो तो आप इसको खा सकते हैं। और अगर आप किसी सब्जी के साथ खा रहे हो और इसको टेस्ट करेंगे तो मेरा दावा है कि आप सब्जी खाना छोड़ देंगे, इस चटनी को खाएंगे। तो ये हमारी हरी मिर्ची सिक चुकी है, अब फ्लेम हम करते हैं बंद। इसको आप मीडियम आंच में, तेज आंच में, जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसे आप सेक सकते हैं। इसको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर, तब तक हमारी ये हरी मिर्ची ठंडी होती है, तब तक हम लहसुन को थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। तो चाहे आप इसको किसी हमामदस्ते में, छोटे हमामदस्ते में, या बेलन से, या जिस तरह से आप चाहे मैश कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 लहसुन की कलियां, और ये मिर्ची है जो ठंडी हो चुकी है, इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको बारीक काट के डाल देंगे, जिसमें हम इसको कूटें या मैश करें तो आराम से हमारी मैश हो जाए। स्मोकी फ्लेवर है इसके अंदर, लहसुन मिर्ची सिकी हुई है। हम लोग होटलों में जाते हैं, या सॉरी, होटलों में तो हम नहीं बोलेंगे, ढाबों में जो हम हरी मिर्ची का फ्लेवर लेते हैं, या हम आराम से बोलते हैं कि साहब हरी मिर्ची सेक के दीजिएगा, उसका फ्लेवर और उसका आनंद ही अलग होता है। तो फ्रेंड, अब हम इसको, इनको सारा पूरा मैश कर लेना है। तो ये हमारी हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बन गया है। पेस्ट भी नहीं बनाना है हमको, हमें थोड़ा सा इसको इस तरह से थोड़ा मोटा रखना है। और ये हमने डाला दही के अंदर, इसके अंदर जो लहसुन का और स्मोकी हरी मिर्च जो हमने गैस पे गरम करी थी वो हमें इसके अंदर डालना है। और इसमें डालना है हमें नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि इसमें वैसे थोड़ा सा नमक तीखा रखा है, जैसे ऑलमोस्ट सॉसेस के अंदर जो भी आप सॉस लेंगे उसके अंदर तीखा नमक होता है, और ये हमें इस तरह से इसके अंदर मिक्स करना है, इसको ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो दोस्तों, इसको अच्छी तरह से आप इसको मैश कर लीजिए, सॉरी मिक्स कर लीजिए। ये मैंने मिक्स कर दिया है इसके अंदर, और नमक मैंने आपको बताया था, मैंने तो हमेशा, हम लोग थोड़ा तेज रखते हैं। और इसकी, इस चटनी को आप आराम से किसी भी चीज़ के साथ, समोसे, कचौरी, फिंगर चिप्स, सैंडविचेस, किसी भी साथ आप खा सकते हैं, आपको काफ़ी पसंद आएगी। और अब इसके अंदर हम डालेंगे हरा धनिया, हरे धनिया का भी इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा, और इसको भी हमें मिक्स करना है इसको। ये मेरा वादा है दोस्तों, एक बार इसको आप ट्राई जरूर करिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है, झटपट रेसिपी है, आपको पसंद आएगी। मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों को झटपट रेसिपी बनाना सिखाऊं। तो ये बिल्कुल हमारी चटनी तैयार है, हरी मिर्ची और धनिए की और लहसुन और दही, इसमें हम चार सारे चारों चीज़ें बोल सकते हैं हम, ये सब चीज़ तैयार है। और इसको आप रोटी के साथ
और मैंने आपको बताया किसी भी स्नैक्स के साथ, समोसे कचौरी के साथ आप खा सकते हैं, काफ़ी जल्दी तैयार हो जाती है और काफ़ी टेस्टी है। हमेशा मैं चाहता हूँ कि आपको जल्दी रेसिपी सिखाऊं, लेकिन जल्दी रेसिपी की सिखाने का मतलब ये नहीं है या मैं बना रहा हूँ या कुछ आपको बना के दिखा रहा हूँ तो उसका टेस्ट फर्क आ जाए। टेस्ट में अगर आपकी क्वालिटी नहीं होगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो फ्रेंड इसको ट्राई जरूर करिएगा, इसको ट्राई करके आप देखिएगा कैसे कैसा फ्लेवर है या कैसे टेस्ट है इसका। और अगर रेसिपी मेरी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमेशा मैं यही कहता रहता हूँ आपको कि आप मुझे कमेंट्स करिए, कोई नई रेसिपी आपको मुझे बनाने के लिए मौका दीजिए, जो भी है। ठीक है दोस्तों, अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिस्टर सिंह किचन में नई रेसिपी के साथ वापस हाजिर होते हैं। धन्यवाद।